तो फिर से स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल 200 कंस्ट्रक्शंस में। तो अभी रेल मिनिस्ट्री ने बुलेट ट्रेन की प्रोग्रेस रिपोर्ट और कंस्ट्रक्शन अपडेट ट्विटर पर शेयर करी थी, जिसके अनुसार NHSRCL यानी नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि बुलेट ट्रेन की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है और ये इंडियन रेलवेज का ही एक पार्ट है जो बुलेट ट्रेन की सारी ऑपरेशंस को हैंडल करेगी, उसका कहना है कि गुजरात में 98.8% लैंड एक्विजिशन हो गया है, दादर नगर हवेली में 100% लैंड एक्विजिशन हो गया है और महाराष्ट्र में 75.25% लैंड एक्विजिशन हो गया है। इसके साथ ही 162 किलोमीटर का पाइलिंग वर्क भी कंप्लीट हो गया है और 79.2 किलोमीटर का पियर वर्क भी कंप्लीट हो गया है। उसके अनुसार एक जो पैसेंजर टर्मिनल हब था वो भी बना करके कंप्लीट कर लिया गया है। तो पूरे भारतवासी बुलेट ट्रेन के बनने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और इसकी चर्चाएं काफ़ी ट्विटर पर रहती हैं और सोशल मीडिया पे लोग अपनी क्वेरीज पूछते हैं, जिसका समाधान करने के लिए रेलवे ने अभी एक प्रोग्रेस रिपोर्ट इसकी जारी करी थी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आपके साथ पूरी डिटेल्स और एनालिसिस शेयर करेंगे मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल फ्लैगशिप प्रोजेक्ट की। तो दोस्तों, लगभग 508 किलोमीटर लंबा मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर भारत का पहला हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है और ये रेल प्रोजेक्ट जो है वो तीन भारत के स्टेट से होकर के गुजरता है, जैसे गुजरात, दादर नगर हवेली और महाराष्ट्र। ये हाई स्पीड रेल लाइन मुंबई के BKC यानी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से स्टार्ट होगी और गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती में एंड होगी। और दोस्तों, इसके साथ ही मैं आपको बताऊं तो ये हाई स्पीड रेल लाइन की जो मैक्सिमम स्पीड होगी वो होगी 320 किलोमीटर प्रति घंटा और लगभग 2 घंटे में ही ये मुंबई से अहमदाबाद का सफ़र जो है वो तय कर लेगी। तो भारत में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की शुरुआत कैसे हुई, इसके लिए आइए हम जानते हैं बुलेट ट्रेन की जर्नी क्या रही। तो सबसे पहले 2009 और 2010 के रेल बजट में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, फिर फरवरी 2013 में इंडियन रेलवेज और फ्रांस के नेशनल रेलवे के बीच में एक MOU साइन किया गया। तो सबसे पहले जो रूट चुना गया था वो था पुणे से अहमदाबाद के बीच में, पर पुणे और मुंबई के बीच में इतनी हाई टेराइन और मतलब जो फैसिलिटीज़ जो बुलेट ट्रेन को चलने के लिए चाहिए वो डिफ़िकल्ट टेराइन होने की वजह से इस प्रोजेक्ट को वहाँ पे बीच में फाइनलाइज नहीं किया गया। फिर दोस्तों, इसका फीसिबिलिटी सर्वे हुआ, उसके बाद मुंबई और अहमदाबाद के बीच में इसको फाइनलाइज किया गया। फिर सितंबर 2013 में इंडिया और जापान के बीच में एक MOU साइन हुआ के रूट को डेवलप करने के लिए इसके लिए मंजूरी दे दी गई। इसके बाद साल 2015 के जुलाई महीने में फिजिबिलिटी सर्वे भी हुआ और जनवरी 2016 में इंडियन रेलवेज ने एक स्पेशल पर्पस सब्सिडियरी का गठन किया, जिसका नाम रखा गया NHSRCL यानी नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। फिर सितंबर 2017 में इसके लिए फाउंडेशन स्टोन रखा गया, जिसमें PM मोदी और जापान के तत्कालीन PM शिंजो आबे वहाँ इंडिया में आए और इसके लिए इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया। तब कहा जा रहा था कि जून 2018 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा, लेकिन दिसंबर 2023 में और ये प्रोजेक्ट बनकर के कंप्लीट हो जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। अभी रिसेंटली ये कहा जा रहा था कि 15 अगस्त 2022 तक बुलेट ट्रेन बनकर के कंप्लीट हो जाएगी और अभी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आई है उसके अनुसार इसमें 5 ईयर्स का पूरा डिले माना जा रहा है, इसकी डेडलाइन भी क्रॉस हो गई है। और अभी रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, जो देश के नए रेलवे मिनिस्टर बनाए गए हैं, जो कि अपने काम करने के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं, वो ये क्लेम कर रहे हैं कि साल 2026 में ही बुलेट ट्रेन का काम शुरू हो जाएगा। कहेंगे कि 2026 तक, जैसा कि रेलवे मिनिस्टर कह रहे हैं, तब तक बुलेट ट्रेन बन करके चलती है या नहीं चलती है, कंस्ट्रक्शन तो अभी स्टार्ट है ही। तो इस प्रोजेक्ट का हम आपको बैकग्राउंड थोड़ा सा लेकर के और बताते हैं। तो इस प्रोजेक्ट में जनवरी 2021 में इसका अर्थवर्क स्टार्ट हुआ, यानी मिट्टी की खुदाई स्टार्ट हुई, जो हम लोग पाइलिंग और पियर वर्क करते हैं उसके लिए मिट्टी की खुदाई चालू हुई जनवरी 2021 में। फिर अप्रैल 2021 में यानी 3 महीने बाद इसका पियर फॉर्मेशन वर्क भी स्टार्ट कर दिया गया। फिर जुलाई 2021 में इसका जो पहला पियर था वो भी कास्ट कर लिया गया। फिर सितंबर 2021 में इसका पहला सेगमेंट भी कास्ट कर लिया गया और नवंबर 2021 में इसका पहला गर्डर भी बना करके तैयार कर लिया गया। तो हम इसमें स्पीड देख रहे हैं, काफ़ी स्पीड आ रही है। तो इसके लिए कास्टिंग के लिए अलग अलग जगह पर ढेर सारे प्लांट लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन होता है उसमें बहुत सारा जो वर्क होता है, जो मतलब जिसमें पियर्स लगते हैं, उसकी कास्टिंग के लिए एक अलग मतलब डिपो बनाई जाती है जिसमें इसका कंस्ट्रक्शन होता है। और ये पिक्चर्स हैं, यानी इस साल की हम पिक्चर आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ये 2022 की पिक्चर्स हैं। तो इसमें आप साफ साफ देख पा रहे होंगे जो इसका कंस्ट्रक्शन अपडेट है। तो अगस्त 2022 तक 508 किलोमीटर के कॉरिडोर में से लगभग 80 किलोमीटर का पियर वर्क बन करके कंप्लीट हो चुका है
जबकि 162 किलोमीटर के सेक्शन में पाइलिंग वर्क अभी अंडर प्रोसेस है। तो साबरमती स्टेशन जो कि इस कॉरिडोर का गुजरात के साइड से स्टार्टिंग पॉइंट है, वो बन करके तैयार हो चुका है, अभी इसमें फिनिशिंग का काम चल रहा है। तो अगर हम शॉर्ट में बोलें तो फर्स्ट बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का गुजरात और दादर नगर हवेली में लैंड एक्विजिशन लगभग कंप्लीट हो चुका है, और जबकि महाराष्ट्र में लैंड एक्विजिशन कंप्लीट अभी नहीं हुआ है, लगभग इसमें 25% लैंड एक्विजिशन बचा हुआ है। इसमें इसका बचने का कारण मुख्यतः ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर जो गवर्नमेंट इनस्टेबल रही, क्योंकि वहाँ पर सरकारें अभी रिसेंटली देखा जाए तो 4-5 सालों में 2-3 सरकारें बदली, इसकी वजह से लैंड एक्विजिशन का काम पूरा नहीं हो पाया। तो अभी गुजरात में लगभग 80 किलोमीटर के सेक्शन में पियर वर्क, जैसे हमने बताया था आपको, कंप्लीट हो चुका है, और इसी सेक्शन में पहला बुलेट ट्रेन यानी सूरत से लेकर के बिलीमोड़ा के सेक्शन में 2026 में पहला बुलेट ट्रेन चलाने की उम्मीद है। तो इसी सेक्शन में चलाएंगे अगर चलाते हैं हम लोग। तो अगर सब कुछ ठीक रहा तो मुंबई अहमदाबाद जो सेक्शन है वो 2027 से 2028 में बुलेट ट्रेन उसमें ऑपरेशनल हो जाएगी। तो अगर बुलेट ट्रेन से रिलेटेड आपकी कोई भी और क्वेरी है तो आप इसमें हम लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको अगर चैनल पे ऐसी और अपडेट्स चाहिए बुलेट ट्रेन से रिलेटेड तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। तो बुलेट ट्रेन कंस्ट्रक्शन अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे चैनल 200 कंस्ट्रक्शन से जुड़े रहिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, धन्यवाद।